वाराणसी के रामनगर में 300 साल पुरानी रामनगर की रामलीला पर लगा कोरोना का ग्रहण, नहीं होगा रामलीला। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार रामनगर की रामलीला का मंचन नहीं होगा। काशीराज परिवार के जीएम ने इसकी मौखिक सूचना वाराणसी पुलिस को दे दी है। वाराणसी के रामनगर की रामलीला का इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। लोगों के आस्था का केंद्र है, जो कि लोगों में काफी उत्साह रहता है। लेकिन यह उत्साह इस बार अम्ब्रेला नहीं होने के कारण फीका ही रहेगा, क्योंकि वैश्विक महामारी के चलते लोगों ने भी रामलीला को, कुछ लोग का कहना है कि रामलीला नहीं चाहिए और कुछ लोगों की राय है कि जब सारी समस्या तकरीबन वैश्विक महामारी को लेकर ही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रामलीला भी करवाई जाए। सीमा पांडे, हाँ एकदम होनी चाहिए, कहे नहीं होनी चाहिए। अरे तो सब तो उसी में चल रहा है जी। रामलीला होना चाहिए, मगर लॉकडाउन का भी पालन करना चाहिए अपना सोशल। हाँ तो इसलिए तो कोरोना काल में अब क्या बताया जाए। ऐसा है कि मतलब कि 5 आदमी टेम्पू में चल रहे हैं तो 5 आदमी में कोई मतलब कि वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो सही है। मतलब 20-25 ठो 50 ठो चल रहे हैं बस में, उसमें कोई बीमारी नहीं है। मेला तो यहाँ हजारों की संख्या में लगती है ना, हजारों मतलब 10 हजारों की संख्या में लगती है, तो इसका होना कोई ज़रूरत मतलब कोई ज़रूरी नहीं था। मतलब पूरा देश पूरा दुनिया त्रस्त है इस बीमारी में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इस मेले को मतलब लागू किया जाए। चाहे सदियों सदियों से परंपरा चल रही हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया त्रस्त है तो ये परंपरा को चलाने का कोई सिस्टम नहीं है। पूरी सरकार पूरी दुनिया त्रस्त है तो ये कोई मतलब नहीं, हम यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार।